मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है और आने वाले दिनों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश के 8 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा MP का वेदर कैसा रहेगा, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है, जिसका असर पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके चलते राजस्थान से दक्षिण पूर्व दिशा और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है, जिससे एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में कई जगहों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें डिंडौरी, देवास, बालाघाट, खरगोन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और पांढोना जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की बात कही गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिसमें नीमच, ग्वालियर, मंदसौर, भिंड, रतलाम, मुरैना, उज्जैन, श्योपुर, आगरमालवा, दतिया, कटनी, शिवपुरी, मऊगंज, गुना, रीवा, अशोकनगर, सतना, निवाड़ी, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर शामिल हैं। इन जिलों में तेज धूप खिलने की संभावना है। हाल ही में खजुराहो में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे गर्म स्थान बना। इसके अलावा उज्जैन में तापमान 35.8 डिग्री, ग्वालियर में 35.2 डिग्री और गुना में 35.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खंडवा में कुछ दिनों की राहत के बाद 23 सितंबर से बारिश की संभावना फिर से बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। खंडवा में आज हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 25 सितंबर को यहां तेज बारिश होने की उम्मीद है। खंडवा में अब तक 838.4 मिमी बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय पर 851.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ये औसत बारिश का आंकड़ा 808 मिमी है। पिछले दो दिनों से खंडवा में उमस बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिलहाल यहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वो मौसम के बदलाव के प्रति सतर्क रहें और जरूरी सावधानियां बरतें। बारिश के चलते जनजीवन पर असर पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहना जरूरी है।